फ्रेंड्स, ये सोडा ऐश है, आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, और ये डिटर्जेंट है। तो ये हमारा बेसिक है जो मटेरियल हमें लगने वाला है। इसे डालने के बाद आप जल्दी से इसे, क्योंकि ये एकदम पत्थर जैसे हो जाता है पानी में जाने के बाद सोडा, अब इसमें हम थोड़ा शैम्पू डालेंगे। शैम्पू इसलिए कि उसकी ग्लेज जो है वो अच्छी रहेगी जैकेट की, और थोड़ी सी ग्लेज आ भी जाएगी। अब हमें एसिटिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड हमें यहाँ नहीं डालना। तो फ्रेंड्स, हमें एसिटिक एसिड लेना है। जब हमें इनका खंगाल करेंगे, यानी जब हम डर्ट और जो डिटर्जेंट है वो जब रिमूविंग करेंगे, तो फर्स्टली हम पहले इसमें डालेंगे, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे। अभी इसमें हम एसिटिक एसिड डालेंगे, क्योंकि जो उसका डर्ट है वो भी निकल जाएगा यहाँ इसमें, और इसमें डालने से, एसिटिक एसिड इसमें डालने से उसकी शाइनिंग भी बढ़ेगी और कलर भी उसका अच्छा रहेगा। ये जैकेट आपको दिखाना था, ये कुछ ऐसा है। इसको हम पिछले 4 5 6 साल से इसे हर टाइम इसे ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं। ये 2 इन 1 है। अंदर इसका ये कलर था, तो कलर बहुत डल हो गया है, तो अभी कस्टमर्स इसे इस साइड से पहनते हैं। 2 इन 1 था ये, तो बहुत ज़्यादा डर्ट है। तो हमें इसके ऊपर ये जो कप्स हैं यहाँ पे वॉश करना है हैंड से, फिर उसके बाद में ये जो कॉलर है यहाँ पे वॉश करना है, और जहाँ पॉकेट्स हैं पॉकेट्स है देख लेना आपको पॉकेट्स कौन सी ज़्यादा ख़राब है, या आपको दोनों ही पॉकेट में देखना पड़ेगा। और ये जो नीचे का जो बॉटम है वो भी हमें अच्छे से वॉश करना है। तो पहले हम ये मटेरियल में इसे सोक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये जर्किन हमारा सोकिंग हो गया है। बहुत ज़्यादा खराब था ये, और पुराना भी है। मैं चाहता तो कोई नया जैकेट लाके ड्राई क्लीनिंग कर सकता था और आपको दिखा सकता था। अब इसे हम बॉडी सोप यूज़ करेंगे। इसके स्टेन नहीं होते। ये पूरी स्लीव को ऐसे रगड़ना है, स्क्रब करना है, क्योंकि हम इसमें ब्रश नहीं यूज कर सकते। और फ्रेंड्स, ये पॉकेट है, हमारे अक्सर हाथ पॉकेट में जाया करते हैं, तो पॉकेट की साइड है, ये दोनों साइड खराब हो जाती है, तो इसे भी क्लीन करेंगे।
इसके जो शोल्डर होते हैं ये हमें ऐसे पकड़ने हैं, और फिर ऐसे ऐसे इसके शोल्डर ही हमें पकड़ने हैं, शोल्डर और एक कॉलर, फिर इससे से पानी जो है ये पूरी तरह से निकल जाएगा। इसमें एसिटिक एसिड है तो शाइनिंग के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी इसमें। इसकी साइड जो है वो हमें उलट देनी है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। ऐसे हमें इसमें से पूरा पानी निकाल लेना है। अगर आपके पास हाइड्रो होगा तो आप डायरेक्टली हाइड्रो में भी डाल सकते हैं, ड्रायर में। अगर ड्रायर नहीं होगा तो आपको इस तरह से इसमें का पानी पूरा निकालना होगा। अब मैं इसे इसकी अपोजिट साइड को रोल करूंगा। आप इसे सुखाने के लिए वॉल पे भी डाल सकते हैं, या ऐसे कोई एंगल हो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो जंग लगे ना हो। और ऐसे स्टैंड पे भी आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने इस जैकेट को ड्राई क्लीनिंग कर लिया है। चाहता तो मैं इसे ड्रायर में ड्राई कर लेता, लेकिन अगर आपके पास ड्रायर नहीं होगा तो आप इस तरह से इसे सुखा सकते हैं। इतना है कि ड्रायर में दो काम हमारा 15-20 मिनट में होगा, तो इस तरह से हमें 2 घंटे लग सकते हैं। कि आप इसे छाव में डालिए, छाव में, क्योंकि ये प्योर कॉटन रहता है और अंदर इसके अंदर जो स्पंज भी रहते हैं, तो स्पंज भी आपके ख़राब नहीं होंगे और कलर भी नहीं ख़राब होगा।